आलू ब्रेड वाले सैंडविचेस खा लिया। अच्छा, आलू वाले सैंडविच मेकर हाँ। ये तुम्हारे आलू की पराठे की तैयारियां हुई बढ़िया। तो भाई ये है 10 इंची का पराठा मीडियम पिज्जा के बराबर। मैं कहता हूँ कोई आ जाए और हमारे यहाँ 2-3 पराठे खा जाए तो कितने का इनाम देंगे बताओ भाई साहब। कलर बड़ा सही है यार ये। हाँ, ये बहुत स्मार्ट है, ये है। लाइट की मेंटेनेंस वगैरह, हाउस मेंटेनेंस, हाउस कीपिंग काम चल रहा है क्योंकि टाइम टू टाइम ये भी जरूरी है जी। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज। मैं हूं रुचिर। आज है संडे और पता है आज क्या हुआ है, मतलब जैसे मैं उठ रहा था ना, मतलब उठने वाला था, दिमाग में एकदम से आया भाई यार ऑफिस है यार, कोई मीटिंग वीटिंग तो नहीं है ये वो, और फिर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रियलाइजेशन हुआ कि भाई संडे है। ओहो हो, ये जो खुशी मिलती है ना, आई एम श्योर ये काफियों के साथ होता होगा कि संडे के दिन या वर्किंग डे ऐसा कुछ लगता होगा कि यार एकदम मिक्स हो जाता है माइंड कि मतलब संडे वर्किंग है ये क्या है। जब रियलाइजेशन होता है ना कि नहीं भाई संडे है, छुट्टी है, सोना है, तो वो जो खुशी मिलती है ना वो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लगती है। चलो देखते हैं किचन में हो क्या रहा है। मम्मी सुबह से लगी पड़ी है और मेरे को लग रहा है कि पूरा रात तक का खाना बना के रख दिया है। क्या क्या तैयारियां शेयरें करके बैठे हो, ये तो दिख रहा है मुझे। कड़ी बन गई आज, डिसाइडेड था जी कड़ी बननी है तो कड़ी पकौड़ा। अच्छा, आलू वाले सैंडविच हाँ। ये तुम्हारे आलू की पराठे की तैयारियां हुई बढ़िया, आलू की पराठे खाओगे। ये एक्स्ट्रा पकौड़े बचे हुए कर लिए। अच्छा, बस ऐसे ही है छोटा मोटा छोटा मोटा, लेकिन खाने का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नहाने जाना है, आंटी आएगी काम वाली, उससे पहले किचन क्लीन करके गोइंग टू टेक माय बाथ। मम्मी की है ना ये आदत है कि छुट्टी वाले दिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन लगे रहना किचन में, सुबह उठ के फटाफट एक आध घंटे में काम निपटा के। पौने 8 बजे लगी थी रसोई में, अब 10:15 हो रहा है। हाँ। मतलब वही 2-2.5 घंटे में सब कुछ करके सुबह उसके बाद फ्री होके बैठो दिन में, ये नहीं कि किचन में बार 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 आ रही है। आदत ही बनी हुई है ना सुबह ऑफिस जाने की, बनी है। और दूसरा फिर ऑफिस वाला रूटीन बना हुआ है ना यार, सुबह सुबह उठना, काम खत्म करना और फिर भागना। सही बात है, 9:30-9:30 तक सही है, ये भी बढ़िया बढ़िया है। एक आलू की पराठी का गुड गुड। अब तुम बताओ, तुमने साक्षी को उठाओ? हाँ, साक्षी को उठाओ। चलो नाश्ते का सोचो। उठ गई आई थिंक, उठ गई। हम नहा के आते हैं बस। ठीक है ठीक है, ओके गुड। क्या रेस्टोरेंट में या आंटी का देख लिया आज गले मिलना सेशन। अच्छा तो जी आज बन रहे आलू के परांठे अपने, ये ना कुछ तड़का तुड़का मारती है आलू के मसाले में, पहले स्पेशल और फिर स्पेशल परांठे बनते हैं। मतलब हल्का सा सौते करके और फिर बनाओ है। हाँ, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल के ना। मैगी मसाला? ओ भाई साहब, अच्छा मुझे पता ही नहीं था यार। अच्छा नहीं, टेस्ट तो नो डाउट अच्छा ही होता है। चलो कर लो बनाओ। क्या डाला ये? अच्छा यही है मैगी मसाला। तो जी ये अपना आ गया जंबो पराठा। इस पराठे का साइज इतना बड़ा होता है ना, प्लेट भी छोटी पड़ जाती है, बट टेस्टी बड़ा होता है ये। चलो हमारे ब्लॉग के साथ नाश्ता। तो भाई ये है 10 इंची का पराठा मीडियम पिज्ज़ा के बराबर। मैं कहता हूँ कोई आ जाए और हमारे यहाँ 2-3 पराठे खा जाए तो कितने का इनाम देंगे बताओ भाई साहब। जैसे होता है ना वो बिगेस्ट पराठा, लार्जेस्ट पराठा, स्पेशल पराठा। आज ही संडे का हमारा लंच कढ़ी और चावल। यार ये भी मजा है वैसे। तो ये संडे को ना स्पेशल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो आज ये स्वीट डिश बन रही है सेवियां दूध वाली। और ये सेवियां ना घर की बनी हुई है ना, हाथ वाली सेवियां बनती है। हाँ, मैं इससे पहली बार खाऊंगा क्योंकि मैं तो अभी वो बाजार वाली पतली जो होती है सेवियां वही खाता हूँ। चखते हैं ना। ओहो हो हो, क्या बात है भाई, बहुत ही स्वाद बनी है, मजा आ गया खा के।
और इसको बनाने में लेकिन देर बहुत लगी क्योंकि आई थिंक ये गलती देर में, जो घर वाली होती है ना वो तो आसानी से, सॉरी सॉरी सॉरी, जो बाहर वाली होती है वो आसानी से गल जाती है, घर वाली नहीं गलती। ओ भाई साहब कितनी तगड़ा डायलॉग मारा है मैंने, घर वाली नहीं गलती आसानी से, बाहर वाली आसानी से गल जाती है। आज तो है ना हद ही हो गई है, एक तो गर्मी के चक्कर में पूरा दिन हमने इस कमरे में निकाल दिया ऑलमोस्ट टीवी देखते हुए और बैठे हुए, बस ये भाई साहब का सहारा ये चल रहा है सुबह से। बाहर बैठते ही पसीने आ रहे हैं, पापा अभी थोड़ी देर छत पे गए थे तो कह रहे यार बुरी हालत हो गई भाई, क्या करें इस गर्मी का, कुछ नहीं कर सकते। मैं तो वॉक करने जाने के चक्कर में थी लेकिन वॉक करने गए नहीं हम। बड़ा बुरा हाल है भाई साहब, बड़ा बुरा हाल है। ये गेम मैडम अपनी पता नहीं क्या स्किन लेके बैठ गई है कि कभी वैस्टीन लगा रही है कभी कुछ लगा रही है, त्वचा सब जगह मेंटेनेंस वर्क चल रहा है जी घर में। यहाँ सोचा जा रहा है कौन सा नया पर्स लिया जाए, लैपटॉप बैग कौन सा लिया फिर फाइनली, ये वाला सिलेक्ट किया आपने, ये कर लिया, कलर बड़ा सही है यार ये। अच्छा तो जी यहाँ तो ये काम चल रहा है और बाहर है ना लाइट की मेंटेनेंस वगैरह, हाउस मेंटेनेंस, हाउस कीपिंग काम चल रहा है क्योंकि टाइम टू टाइम ये भी जरूरी है जी, इतनी चीजें हैं तो क्या है साफ करोगे खुद को ही अच्छा लगेगा। अब इन जैसे लाइट्स में आपको दिखाता हूँ, इन लाइट्स में ना डस्ट आ गई थी क्योंकि ये सारा ना ग्लास है देखो, तो इसमें सारी डस्ट आ गई थी, तो टाइम के साथ साथ करना पड़ता है ये सब ताकि अच्छा लगे, तो बस वही सब चल रहा है। तो वही अब साफ ऑफ करके सब बैठ के ना आनंद लिया जा रहा है और ये अपने लिए आ गया है जी पानी ठंडा ठंडा। ओ गिरा मत देना मेरे ऊपर, कितनी कोशिशें कर लो कितनी मेहनतें कर लो लेकिन देख रहे हो पास्ते की तैयारी हो गई है फिर से, क्यों, क्योंकि सब लोग शाम बैठे थे तो आज पापा ने बोल दिया यार पास्ता बना लो, मतलब क्या करा जाए भाई, हमारा नहीं हो सकता कुछ, बनाओ जी रोज कुछ ना कुछ चल ही रहा है, हम कितना भी सोच रहे हैं भाई अब से नहीं लेकिन नहीं, कोई ना कोई आप एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि पापा बोल देंगे भाई पास्ता, आहा हा बनाओ भाई। ये देखो जी पास्ते वाली मैडम हमारी। बना तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं कंट्रोल करूंगा, खाऊंगा नहीं, क्या तुम अपने आप को कंट्रोल करोगी? बनने के बाद मैं नाम नहीं लेती किसी चीज का, लेकिन जब जगह बन रही है फिर थोड़ा बहुत हो जाता है कि हाँ। खा लो यार खा लो।